तो फ्रेंड्स ये पनीर है तैयार, हमने छान के रख लिया है। करीब 2 घंटा पहले हमने निकाला था, ये पीस पीस काट के हमने रख लिया है, घर का ही ताज़ा पनीर। और ये टमाटर हमने धो के काट लिया है आगे आगे का, और इसे उबालने के लिए रख देते हैं, जिसमें हम लहसुन भी डाल देते हैं, करीब 5 कली लहसुन डाल देते हैं, और 2 हरी मिर्च और 1 इंच टुकड़ा अदरक, इसको 2 फांकी कर लेंगे। और इसे उबालने के लिए करीब 2 मिनट के लिए उबाल लेते हैं, उसके बाद ठंडा करके इसको पीस लेंगे ग्राइंडर में पिज़्ज़ा बेस के लिए। चलिए फ्रेंड्स ये उबल चुका है, अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें बेसन जो भूंज के हम रखे थे समोसा में भरने के लिए, उसका जो थोड़ा बचा है इसी चटनी में हम मिलाएंगे। अब डो बनाने के लिए जो पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे उसका तैयारी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये उबल चुका है, मैं इसे ठंडी भी हो चुकी है, तो इसे हम पीस लेते हैं, और इसमें के जो पानी है उसे भी इसी में डाल देते हैं। और जो ये कचौड़ी मसाला समोसा मसाला पड़ा था बेसन भूंज के बनाए थे उसे भी डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें आधा चीनी, आधा कप चीनी डाल देते हैं और इसे पीस लेते हैं, नमक वगैरह इसी में ही है। चलिए फ्रेंड्स अब इस तरीके से बन चुका है, अब ये रेडीमेड बन चुका है, अब इसमें कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ छान लेना है। छानने के बाद इसे हल्का सा पका लेंगे, गैस ऑन करके इसे फिर से इसमें डाल देते हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन चटनी बनेगी। हल्का सा इसमें फूड कलर डालेंगे, एकदम एक चुटकी, पक जाए 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब बेस की तैयारी कर रहे फ्रेंड्स, ये हमने सूजी 1 कटोरी ले लिया, सबसे पहले सूजी में हल्का सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है थोड़ा सा, और इसे थोड़ा सा हल्का सा शुद्ध घी डाल के इसे सान लेते हैं। जब इसे इसलिए पहले सानना है, आटा बाद में मिक्स करना है, इसे फूलना चाहिए, इसको फूलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको गीला सान लेंगे। बस इसे गीला छोड़ करके अब इसमें हम थोड़ा सा आटा मिला देंगे, करीब आधी कटोरी, इस पे भी हल्का सा नमक ऊपर से, इस पे भी हल्का सा घी, थोड़ी सी चीनी, और ये
गैस को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे सान के, ताकि ये खूब अच्छे से फूल जाए। उसके बाद डो तैयार होने के बाद फिर इसको पिज्जा बेस की तैयारी करेंगे। थोड़ा गीला ही सनना है, देखिए ढीला है, सूजी को थोड़ा सा फूलना चाहिए, इसीलिए थोड़ा गीला सान के अभी बाद में इसे फिर से सानना है। अब इसे मैं ढक देती हूँ। पंद्रह मिनट के लिए ढक देती हूँ। चटनी हो गई तैयार, देखिए फ्रेंड्स में बढ़िया टमाटर सॉस बन चुका है। अब इसे कुछ नहीं करना है, ना इसमें हमने घी तेल कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही बन गया है। हल्का सा जो हमने बेसन को रोस्ट किया था समोसे के मसाले वाली, उसी में नमक वगैरह सब कुछ था। अब पिज्जा बेस में डालने के लिए चटनी में थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा हम सोया सॉस डाल देंगे एक ढक्कन, और एक ढक्कन विनेगर डाल देंगे आधा ढक्कन, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और इसे मिक्स कप करा देंगे। थोड़ा सा इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा, ये पिज़्ज़ा बेस के लिए बहुत ही टेस्टी होगा। और अभी इसमें एक और मसाला मुझे डालना है, और वो है मैगी मसाला। ये मैगी मसाला इसी में डाल देते हैं आधा पैकेट, और इसे अच्छे से मिला लें। देखिए कितना बढ़िया बेस बन गया फ्रेंड्स। घर ही में बना सकते हैं, मार्केट से हम लोग मंगाते हैं ऑनलाइन, मगर पता नहीं कौन सा चाइनीज फूड रहता है वो नुकसानदायक होता है, बट ये जो है आप घर ही में कभी कभी खाना है तो बना सकते हैं, और होममेड ही बनाए पिज्ज़ा और पिज्ज़ा बेस भी। चलिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुका है, अब इसे थोड़ा सा और अच्छे से सान लेते हैं ताकि बेस अच्छे से बने। सूजी भी फूल गई है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाले थे। बेकिंग पाउडर, चलिए तो बेस बना लेते हैं। दो पिज्ज़ा बनाने के लिए, और इसे थोड़ा आटा लगा लगा के बेल लेते हैं। हमने इसको पहले से ही साफ कर लिया था प्लेटफॉर्म को, हाइजीन है, सफाई का भी ध्यान रख के। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, इतना ही बेलना है जितना बड़ा पिज़्ज़ा होता है, उससे थोड़ा बड़ा। चलिए फ्रेंड्स अब इसे डाल देते हैं। एक तरफ थोड़ा कम होगा और एक तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा, इस बात का ध्यान रख के, और इसे मैं ढक देती हूँ। जब एक तरफ हल्का कच्चा रहे दूसरे तरफ हम वो करेंगे। और इस पिज्जा बेस में भरने के लिए मैंने प्याज, हरी धनिया और होममेड पनीर रखा है, ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, मैगी मसाला, और ये होममेड हमने सेजवन की चटनी भी बना ली। अब इसे 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के बाद इसको पलटते हैं। एक तरफ का फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्का कच्चा रहेगा,
अब इस तरफ का हम पलट दिया है, थोड़ा बीचों बीच में कर दें और इसे छेद कर देते हैं, वरना ये फूलने लगेगा। थोड़ा आंच धीमा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तेज ना रहे हैं। और छेद करने के बाद ये बिल्कुल करारा और बहुत अच्छा बनेगा बेस। हल्का सा शुद्ध घी बाद में इस पे भी डालेंगे। तो अब इसको करीब 5 मिनट के लिए धीमी आंच करके चढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा तेज आंच में जलने का डर है, थोड़ा धीमा आंच कर दिया है। सो फ्रेंड्स, जिस तरफ थोड़ा कच्चा रहेगा उसमें हल्का सा देसी घी लगा देते हैं और हल्का सा, और एकदम से कच्चा नहीं रखना है। थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, इधर भी बढ़िया सेक गई है। आँच एकदम मध्यम कर देंगे और थोड़ी देर के लिए गैस धीमा कर देंगे, एकदम धीमा कर देंगे। 2 मिनट के लिए। चलिए फ्रेंड्स, एकदम से मध्यम आँच कर दिया है। अब इसमें का जो हमने बीजा बेस बनाया है टमाटर का, सेजवन का चटनी की तरह है, इसे हम डाल देते हैं। अच्छे से डाल देते हैं, होममेड है, ये नुकसान भी नहीं करेगा। अब इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं, अगर आप बच्चे खाते हो कैप्सिकम भी आप डाल सकते हो। बटर पनीर का बना रहे, आज हम कैप्सिकम का नहीं डाल रहे। थोड़ा सा हरा धनिया और होममेड जो पनीर है उसे भी बीच बीच में डेकोरेट कर देते हैं। बहुत ही हेल्दी है, घर का ही होममेड है, होममेड पनीर से ही बनाएं, बच्चों को दे, हेल्दी रखें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा होममेड मलाई रखे हैं, हल्का सा डालेंगे। थोड़ा सा इसी में कश्मीरी लाल मिर्च हल्का सा डाल देंगे। ये तीता नहीं होता है लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैगी मसाला, एक तरफ मैगी मसाला थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो इसको हटा भी सकते हैं मिला के। अब इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में आपका पनीर है तैयार, पनीर पिज़्ज़ा है तैयार 2 मिनट में। हल्का सा इसमें सेंधा नमक ऊपर से डाल देते हैं फ्रेंड्स, नमक डालना भूल गए थे, हल्का सा स्वाद अनुसार। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, पिज्जा है तैयार। इसे निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म बच्चों को दे हेल्दी पिज्जा। ये देखिए, एक साइड से बिल्कुल पक चुका है और इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में और दूसरा भी चढ़ा दें। इसे भी ढक देते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको कट करने के लिए आपको एक चाकू की ज़रूरत है, या फिर आपके पास अगर
पिज़्ज़ा कटर हो तो उसमें भी काट सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे हम पीस पीस काट के आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा ये पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा, हेल्दी पनीर पिज़्ज़ा, तो सपोर्ट ज़रूर करें फ्रेंड्स, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।